News 18, India. इधर कांग्रेस दावा कर रही है कि विपक्षी गठबंधन अभी बिखरा नहीं है, वो हर समस्या का हल निकालेगा, जबकि बीजेपी ने इंडी गठबंधन को बेमेल वाला गठबंधन करार दे दिया है। लेकिन जिसने जो कुछ भी कहा होगा मैंने सब देखा सुना है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अंत में सब बैठ के अक्रॉस द टेबल बात करेंगे और सारी बातें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सीट शेयरिंग से लेके कैंपेन स्ट्रेटजी, और इंडिया गठबंधन एकजुटता से मजबूती से मैदान में उतरेगा। INDIA है, वैसे भी उसमें भारत के बीच में इंडिया के बीच में डॉट डॉट लगा रखा है, और ये गठबंधन बेमेल गठबंधन है। विपक्षियों पर हमला करने का बीजेपी को एक और मौका मिल गया। बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि इनका ये ड्रामा बस अब कुछ महीने ही चलेगा। पहले दिन से हम ये कह रहे थे, वी आर ऑल टेलिंग फ्रॉम द डे वन, कि ये तो फोटोशूट है, कुछ होने वाला नहीं है। तो एक 7-8 महीने के लिए एक ड्रामा चलाना था, चला दिया है। कुछ लोग बाहर आएंगे, ये तो बाद में कुछ इंडी पंडी कुछ नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी ने जो अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय किया है, ये बताता है कि विपक्षी एकता में कोई दम नहीं था, और वही घटना घटी है। माननीय मोदी जी के आंधे के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। निश्चित रूप से 2024 में यशस्वी प्रधानमंत्री फिर एक बार सरकार बनाएंगे।